पारितोष सर, नौकरी करूं या बिजनेस? घर पे सब कहते हैं बिजनेस करा तो फेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है यार। सारे मिडिल क्लास परिवार ना जो पूरे भारत देश में हैं, उनके साथ यही फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये मेरे परिवार के साथ भी है कि यार नौकरी करूं या बिजनेस, क्योंकि नौकरी में ना हमको सेफ्टी दिखती है। देखो अभी ना मैं आपको डिस्टिंक्शन करके दिखाता हूं। जैसे राम वर्सेस रावण, भाई अगर आपको रामायण में हम रावण का कैरेक्टर ही हटा दें तो राम का कैरेक्टर उभर के बाहर नहीं आएगा। ठीक वैसे ही नौकरी और बिजनेस के साथ भी होता है। नौकरी में ना हमको लगता है ऐसा कि भैया रिस्क तो किसी और का है, सैलरी तो कोई और दे रहा है, हमें तो बस अपना काम करना है, मेहनत करना है और सैलरी उठानी और चले जाना है, रिस्क तो किसी और का है। लेकिन यहीं पर आप गलत हो जाते हैं। लेकिन नौकरी में जब सैलरी मिलती है ना, तो मैं उसको हमेशा एक तरीके से कहता हूँ कि एक ड्रिप है, ये ड्रिप चढ़ती जाएगी आपके ऊपर और फिर एक ऐसा समय आएगा जब आपकी शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी और फिर उसके बाद ना आप ज़्यादा रिस्क ले ही नहीं पाएंगे। तो फंडामेंटल बात नौकरी या बिजनेस की तो है ही नहीं, फंडामेंटल बात तो रिस्क की है। आज मैं अगर आपको ये बोल दूं कि मैं आपके बैंक में 5 करोड़ रुपए डाल रहा हूं, तो क्या नौकरी छोड़ दोगे? छोड़ दोगे ना, वही तो सारी बात है। बात होती है रिस्क लेने की, नौकरी या बिजनेस की नहीं। अब आपको ये समझना है कि भाई रिस्क मैं क्यों नहीं ले पाता हूं। सिंपल सा कारण है। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक में कितना पैसा या कितना पैसा नहीं है। रिस्क का मतलब ये है कि क्या आपको जो भी काम करना है, जो भी चीज़ क्रिएट करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन कितनी है आपके पास, राइट? आज मैं आपको अगर ये बोलूं कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए की एक गाड़ी दे रहा हूं चलाने को, अब लेकिन अगर उस पर छोटा सा भी स्क्रैच पड़ गया ना, तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा होगा आपका, राइट? आप बोलेंगे हैं 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा स्क्रैच हटाने का? हाँ भाई हाँ, होगा ही होगा यार। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस गाड़ी में एक छोटा सा बटन है, उस बटन को दबा देना और जब आपका मन करे आपकी गाड़ी तुरंत के तुरंत रुक जाएगी, यानी आपका एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, स्क्रैच पड़ने से बच जाएगा, तो चला लोगे ना गाड़ी? क्यों चलाई अब गाड़ी सेम वही वाली? क्योंकि अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। जैसे ही सही इन्फॉर्मेशन मिली, रिस्क कम हो गया, आपने एक्शन ले लिया। बस वही तो है भाई, नौकरी में भी रिस्क है। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो नौकरी वाले निकाल देंगे, है ना, बॉस निकाल देंगे। अरे भैया 3, 5, 10 साल नौकरी करने से अच्छा एक काम करो, थोड़े साल चाहे नौकरी कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस लेने के लिए नौकरी करो, अपनी स्किल बिल्ड करने के लिए नौकरी करो। लेकिन उसके बाद पता है आपको करना क्या है? उसके बाद वही 3, 5, 10 साल लगाओ अपना काम करने में। अरे जितनी मेहनत किसी और के लिए कर रहे हो, उतनी मेहनत खुद के लिए कर लोगे ना, वैसे ही आगे बढ़ जाओगे, रिस्क अपने आप कम हो जाएगा और तेज़ी से अपना जीवन आगे बढ़ाओगे। तो एक काम करो, 1-2 साल नौकरी कर लो, पहले स्किल बिल्ड कर लो। जब एकदम तैयारी हो जाए कि हाँ यार अब मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी है, ऑपरेशन समझ आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन समझ आ चुका है, फाइनेंस समझ आ चुका है, कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं वो समझ आ चुका है, फिर अगले 3, 5, 10 साल लगाओ अपना काम करने में, अपना बिजनेस करने में। ऐसा करोगे आगे बढ़ोगे। अगर मेरी एडवाइस आपको अच्छी लगी ना, तो आप एक काम कीजिए, और ऐसी बिजनेस की अगर आपको एडवाइस चाहिए, अच्छे से सादी आसान हिंदी भाषा में बिजनेस समझना है, तो भारत का सबसे पहला बिजनेस का गुरुकुल ज्वाइन कीजिए। यह है MBA प्लस। पूरे के पूरे गुरुकुल की केवल एक ही योगदान है, ये गुरुकुल चलता है केवल आपके योगदान से, और वो है सिर्फ 3,000 रुपए का पूरे लाइफ टाइम का। आइए MBA प्लस गुरुकुल में। हजारों लोग आज भारत देश से, नेपाल से, ओमान से, दुबई से आज कर रहे हैं MBA प्लस। आप भी कीजिए। जय हिंद।